Thank you, Lord. Thank you, Jesus. दोस्तों, जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से पास्टर डैनियल राज स्वागत करता है, बड़े खुशी के साथ और बड़े उत्साहित के साथ आज के इस अद्भुत अद्भुत विषय को सीखने के लिए लगातार 7 दिन। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि बहुत सारे स्लाइड्स हैं, बहुत सारा जो है टीचिंग है, सब्जेक्ट है, आप सभी तक पहुंचाना है, इसके लिए वक्त बहुत कीमती है लगातार 7 दिन तक। इसलिए जल्दी से आप मुझे ये बता दें कि मेरी आवाज़ यदि ठीक से पहुंच रही है, वो आप नीचे टाइप करके बताएं, साथ ही साथ विजुअल्स क्लियर हैं वो टाइप करके बताएं। और दूसरी बात, आप जहां से जुड़े हैं, अगर आप मुंबई से हैं, मेरी कलीसिया यानी ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप से हैं, जो कि मुंबई में है, मुंबई के बाहर हैं, वे सभी जो है आप नीचे टाइप कर सकते हैं कि हम यहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप, आप यदि देख रहे हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और साथ ही साथ में ग्रुप ए, यानी कि जहां पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको भी है ना, अगर वो देख रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि सर आप लोग नीचे टाइप करें कि आप लोग मसीह मंथन ग्रुप के मेंबर हैं। और साथ ही साथ भारत के बाहर अगर आप जो भी कंट्री से देख रहे हैं, आप नीचे टाइप कर सकते हैं ताकि मेरे नॉलेज के लिए मुझे पता हो कि आप लोग कहां कहां से देख रहे थे। साथ ही साथ जितने यूट्यूब पर अगर अभी देख रहे हैं, YouTube पे जब ये अपलोड होगा, जब वो देखेंगे, वे सभी 77,000 सब्सक्राइबर्स, वो सभीों को मैं परमेश्वर के नाम से स्वागत करता हूँ, यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। आप जिस किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मुझे पता चला है कि पाकिस्तान से भी लोग देखते हैं, उन सभीों को जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, सर आप लोगों का भी स्वागत है। जितने मेरे भाई बहन आप देख रहे हैं, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि बिल्कुल वक्त कम है, बहुत सारी बातें रखनी है बीच में, सो मैं क्या करूंगा कि जैसे जैसे आपको दिखाता चला जाऊंगा, आपको उसको नोट करना है, देखना है। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा एवरी डे, जैसे यहाँ पर लाइव ख़त्म होता है ये अपलोड होता रहेगा। चलिए, मुझे मेरी टीम बताए कि यहाँ सब ठीक टाइप कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है जी। तो 300 लोग अभी जुड़ गए हैं और जैसे जैसे जुड़ते चले जाएंगे, आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि आप लोग जो हैं इसको शेयर करते जाएं ताकि काफ़ी लोग जुड़ सके, देख सके और परमेश्वर के इस सही वचन को अलाउड करो, कोई दिक्कत नहीं, देख सके, सुन सके और प्रभु के राज्य में बढ़ सके। वंडरफुल। ना दोस्तों, मैं यहां से शुरू होना चाहता हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है, बहुत सारी बातें करनी है, 22 अध्याय आपको सिखाना है, सो उसके लिए मेरे पास में वक्त की कमी है। सो मैं फिर पूछूंगा कि आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं, अपने सब कुछ नोट, डायरी, पेन, जो भी आप लेकर बैठे हैं, और आपका जो भी चार्ज, आपका मोबाइल चार्ज, सब कुछ देख लीजिए, क्या कहते हैं उसका, आपका डेटा भी चेक कर लीजिए, सब कुछ तैयारी के साथ में अगर हैं तो मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ। ना दोस्तों, सबसे पहले जी दोस्तों सबसे पहले हम एक अद्भुत विषय को सीख रहे हैं, स्टडी ऑन रेवलेशन बुक, और जो कि 7 दिन लगातार चलेगा, इसलिए मैंने डाला है फॉर 7 डेज। सो ये जो स्टडी है ये लगातार 7 दिन चलेगी। मैंने इंग्लिश में इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे जो इंग्लिश वाले मेरे भाई बहन हैं अदर कंट्रीज से, वो शायद हिंदी को नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए मैंने ये रखा है। साथ ही साथ ये आपके लिए हिंदी में भी रखा है, जिसको मैंने नाम दिया है जबरदस्त अध्ययन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर। सो मैं वापस कहता हूँ, ये सच में जबरदस्त होगा। Now, इसको बताते वक्त में जब मैं कह रहा हूं कि जबरदस्त, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी से बढ़कर हूं, बाकी जितनों ने प्रचार किया वो कम है, मैं बेहतर हूं, जी नहीं, ये ऐसा नहीं है। जबरदस्त है मेरा मतलब है टीचिंग जबरदस्त है, वचन जबरदस्त है, यीशु जबरदस्त है, और जो भी बातें यहां होंगी वो बातें जबरदस्त है, और ये आप सभी सीख सके, समझ सके, इसलिए मैंने इसको यहां पर डाला है, आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट, आपका रुझान बढ़ सके, इसलिए मैंने ये चीज को यहां पर डाला है। नाउ साथ ही साथ दोस्तों इसको देख लीजिएगा, जो तारीख हमने तय करी है, यानी आज 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ये चलेगा, और साथ ही साथ 8 बजे से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। 8 से लेकर 9 बजे तक का 1 घंटे का वक्त मैंने तय किया है। अगर 9 से 9:10 या 9:20 या 9:30 भी होता है तो मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके आगे हम क्रॉस नहीं करेंगे, तो आप लोग उसका भी ध्यान में
रखिएगा ना दोस्तों। वापस कहता हूं कि लगातार 7 दिन चलेगा, आपको एक भी दिन मिस नहीं करना। मैं रिपीट करता हूं, आपको एक भी दिन मिस नहीं करना। 500 लोग मुझे बताया जा रहा है जुड़ चुके हैं, उन सभी 500 लोगों का मैं स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि शेयर करते चले जाएं और प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचे, ये मेरा मकसद है ना दोस्तों। इसको देखिए, सबसे पहले यहां 4 तरह के लोग से आपको मैं मिलाना चाहता हूं, जो कि मैंने लिखा है कि सबसे पहले 4 तरह के लोगों से मिलिए। तो इसका मतलब है ये 4 तरह के लोग कौन है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सब ठीक है यहां पर? ओके, ऐसा कोई रिएक्शन मत दो ताकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, है ना? तो ध्यान रखो उस बात का। नाउ सबसे पहले 4 तरह के जो लोग हैं मैं आपको उनसे मिलाना चाहता हूं। सबसे पहला है ये व्यक्ति जिसका नाम है यूहन्ना। आप चित्र देख सकते हैं, आपको मदद के लिए मैंने ये पोस्ट डाला है, जो कि यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने एक मकसद के लिए चुना था, पूरी दुनिया के लिए। मैं रिपीट करता हूं, पूरी दुनिया के लिए। दूसरा व्यक्ति ये है यूसुफ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जोसेफ। ये है फिरौन का राजा उस वक्त में। नाउ ये चित्र आपको पहले दिखा देता हूं, फिर साथ ही साथ में ये व्यक्ति जिसको कहते हैं जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। नाउ अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जिसका स्टडी आप दे रहे हैं उसके बारे में आप ये 3 कैरेक्टर, जो कि मैंने चौथा नहीं दिखाया, मैं आपको दिखाऊंगा, वो सस्पेंस रखा हूं। ये व्यक्ति जिसका नाम है नू, ये व्यक्ति लड़का जिसका नाम है जोसेफ, और ये व्यक्ति जिसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, ये चौथा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगा। इनका कनेक्शन, यानी कि 4 लोगों का कनेक्शन, चौथा का मैं दिखाऊंगा, इनका कनेक्शन क्या प्रकाशित वाक्य थे। नाउ इसको देखिए, ये जो व्यक्ति है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये व्यक्ति को परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए एक मैसेज दिया था। वो मैसेज क्या था कि तुझे एक नाव बनानी है और तुझे वहां के लोगों को प्रचार करना है, क्योंकि नूहा को धर्म का प्रचारक, प्रीचर कहा गया है, प्रेरितों की दूसरा, प्रेरितों की दूसरा पत्रस किताब 2 अध्याय वचन 5 में। सो ये व्यक्ति को परमेश्वर ने पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज दिया था और ये उसकी तैयारी में था। ना दूसरा व्यक्ति, ये व्यक्ति जिसका नाम है जोसेफ, इस व्यक्ति को या इस लड़के को परमेश्वर ने चुना था इजिप्ट के अंदर, और पूरी दुनिया में एक अकाल पड़ने वाला है, और इस लड़के को चुना था ताकि वो लोगों को तैयारी करे कि तुम बचो किससे, अकाल से, फैमिन या भूख से कैसे बचोगे ताकि तुमको अनाज मिल सके, इस लड़के का इस्तेमाल किया था। ना दोस्तों इसको देखिए, ये व्यक्ति जिसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, ऐसा लिखा है इसके बारे में कि ये यीशु के पहले तैयारी करने आया था। सो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति कर रहा था तैयारी, ये लड़का कर रहा था तैयारी ताकि अकाल से बचे, ये व्यक्ति कर रहा था तैयारी ताकि यीशु का आगमन हो, जिसको कहते हैं पहला आगमन, फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये व्यक्ति उसकी तैयारी में था। अब आपको मिलाने जाता हूं चौथे व्यक्ति से। ये चौथा व्यक्ति कौन है और इससे आपका क्या कनेक्शन है, आप जैसे चित्र को देखोगे आपको पता चल जाएगा। चौथा व्यक्ति है कलीसिया, चौथा व्यक्ति है कलीसिया। तो इसका मतलब है जैसा नूह को कहा था, जैसा नूह को कहा था जहाज की तैयारी कर, पूरी दुनिया खत्म होने पर है, वैसे ही इसको कहा था जोसेफ को, तैयारी कर ताकि पूरी दुनिया को जो है अनाज मिल सके, और इसने किया, और इसने किया। और साथ ही साथ जॉन द बैप्टिस्ट को कहा था कि यीशु के पहले आने के आगमन की तैयारी कर, और इसने किया था। और आपको पता है अब वक्त है कलीसिया का, अब वक्त है कलीसिया का, और कलीसिया से यीशु यही अपेक्षा कर रहा है कि पूरी दुनिया की कौम, पूरी दुनिया की भाषा, जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, देसी, विदेशी, जहां का भी हो, अमीर हो, गरीब हो, उच्च जाति, नीच जाति, पिछड़ी जाति, हर जाति के लोगों को कलीसिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि तैयारी करो। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का मकसद है कि पूरी दुनिया को तैयारी करने के लिए पुस्तक दी गई है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ना दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि इसके वक्त में सिर्फ 8 लोग बचे थे, इसके वक्त में खाने से लोग बचे थे, यानी कि भूख से मर जाएंगे, उससे बचाया गया था इस व्यक्ति ने, इस व्यक्ति को बचाया गया था एक देश या एक नेशन जिसको कहते हैं इजरायली यहूदी, उनके लिए तैयारी के लिए था। लेकिन आपको पता है कलीसिया की जिम्मेदारी पूरी दुनिया को बचाने की। अब आप सोच के देखिए, जब आप मुझे बैठकर या फिर आप अभी फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, आप सोच के देखिए कि कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नूह से ज्यादा है, नूह से ज्यादा है, इस लड़के से ज्यादा है, इस व्यक्ति से ज्यादा है। तो कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है पूरे दुनिया के अंदर, अब आप सोच के देखिए।
और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी को डैनियल राज कुछ 6 साल से समझ रहा है। इसलिए पूरे भारत में मैं घूम रहा था जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ था, शुरू नहीं हुआ था लॉकडाउन का ये कोरोना वायरस का सिलसिला। मैं पूरे भारत में घूम रहा था, पास्टरों को ट्रेन कर रहा था ग्रेट कमीशन के लिए, चेला बनाना, वचन सुनाना, कलिसियाओं की स्थापना करना, ये सारी तैयारियां मैं कर रहा था। और जैसे ही अभी 8 जून से या उसके बाद जो भी वक्त मिलेगा, जैसे ही खुल जाएगा लॉकडाउन, फिर हम वापस से शुरू करेंगे, क्योंकि कलिसिया की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाज नहीं बनाना है, खाने से नहीं बचाना है कि मर जाए उससे बचाना, अब कोई एक नेशन को नहीं बचाना, जॉन द बैप्टिस्ट को, अब सवाल उठ गया है पूरी दुनिया को बचाना। अगर मेरा कोई हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बुद्धिस्ट भाई या जूविश या जो भी मुझे अभी सुन रहा है, जिस किसी भी भाषा में अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं, कलिसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो हम जैसे प्रचारक आपके घर के पास आपके दरवाजे को खटखटाते हुए सुसमाचार के माध्यम से, कलिसिया के पुलपिट के माध्यम से हम क्यों प्रचार करेंगे कि पाप से बचो, न्याय से बचो। एक 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 दिन ऐसा आएगा जहां पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, हम ये प्रचार क्यों करते हैं मेरे दोस्तों? इसका मतलब है कि इसका कलिसिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यीशु मसीह ने इसलिए दी ताकि कलीसिया जो है पूरी दुनिया को चेतावनी दे सके, वार्निंग दे सके। मेरा मैसेज वीडियो का 7 दिन जो चलेगा, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहला मैं यही दे रहा हूं कि मकसद है डैनियल राज का, पूरी दुनिया जो भी अगर वीडियो को देखेगी उसको एक चेतावनी के रूप में कि सर बच जाओ, संभल जाओ, दुनिया जो है नाश होने पर है, पूरी दुनिया खत्म होने पर है। जैसे नूहा के टाइम पे परमेश्वर ने पूरी पानी से दुनिया को तबाह कर दिया था, वैसे ही अब एक और बार पूरे आग से दुनिया खत्म होने जा रही है। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं 26 साल से जिस यीशु की सेवकाई कर रहा हूं, जो पास्टर के हैसियत से मैं काम कर रहा हूं, बाइबल टीचर या कन्वेंशन स्पीकर के माध्यम से मैं आप सभी से बात करना जा रहा हूं, उस व्यक्ति उस जिम्मेदारी को समझते हुए कि सर पूरी दुनिया को एक दिन इसका सामना करना पड़ेगा, जो कि 7वें दिन आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि पहला दिन ये वाला विषय मैं क्या कह रहा था। ना दोस्तों, इस पुस्तक का रिश्ता 2 लोगों से है। किसका? प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का रिश्ता 2 लोगों से है। पहला है एक यीशु से और दूसरा है आपसे और हमसे, यानी कि मेरा और आपसे। तो इसका मतलब है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का जो रिश्ता है, कनेक्शन है, एक यीशु से है। जब आप पढ़ोगे तो यीशु को पाओगे, यीशु 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 को पाओगे, और दूसरा आप खुद को पाओगे, यानी कि आप और हम। सो इसका मतलब यह हुआ ना, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यानी कि पहला अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक को अगर हमें देखना है तो 3 एंगल से देखना होगा। ये देख लीजिए आप, 3 एंगल से दिख रहा है उसमें सब कुछ, ये 3 एंगल से देखना होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का पहला अध्याय से 22वें अध्याय तक को हमें 3 एंगल से देखना होगा। पहला एंगल या पहला अध्याय को कैसे देखना होगा? भूतकाल, पास्ट, भूतकाल। दूसरा क्या है? दूसरा अध्याय। और तीसरा अध्याय को जब हम पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे तो वो होगा वर्तमान, यानी कि आज की स्थिति, जैसे ही लिखा गया था 1वीं सदी से 21वीं सदी तक। और अगर यीशु नहीं आता तो जब तक ये सदी चलेगी तब तक के लिए 2 अध्याय चलेगा, जिसको कहते हैं वर्तमान का अध्याय। ये रहा 4 से 22 तक, जो कि बताता है भविष्य की बातें, भविष्य में क्या घटेगा, भविष्य में क्या होगा, इन सभी बातों को। और इसका वचन कहां? ये वाला प्रकाशित वाक्य के पहला अध्याय वचन 19 से, इसलिए जो बातें तूने देखी, ये हो गया पहला। दूसरा, जो बातें हो रही हैं, यानी कि वर्तमान, और लिखा है जो इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले, ये हो गया भविष्य। सो भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल, ये आपको पता चल गया ना दोस्तों। ये रहा इस पुस्तक के अध्याय को, हमने 17 भागों में बांटा है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल जब हम स्टडी करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कौन क्या है, कैसा लिखा है, कैसे पढ़ना। इसलिए आपकी सुविधा के लिए इसको मैंने 17 भागों में बांट दिया। आइए देखते हैं वो 17 भाग क्या है, ताकि एक एक भाग जब आप पढ़ो या मैं आपको सिखाऊं तो आपको पता चल जाए कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। 17 भागों में से पहला, तो सबसे पहला है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, यानी कि परिचय मिलेगा। दूसरा है कलीसियाएं का जिकर होगा, यानी कि 7 चर्चेस, 7 कलीसियाओं का जिक्र होगा। तीसरा, ओपन हेवन, खुला हुआ स्वर्ग, 4वें अध्याय में इसका जिक्र है, वो आपको मिल जाएगा। फिर लिखा है चौथा जो पॉइंट है, रैप्चर ऑफ सेंट्स ऑफ गॉड, पवित्र लोगों का उठा लिया जाना, जिसको मैंने लिखा है रैप्चर। नाउ इसको देखिए, 7 सील्स,
सेवन ट्रम्पेट्स एंड सेवन बोल्स, इसका मतलब है हिंदी में आ जाएगा सात मोहरें, सात तुरियां और सात कटोरे, इसका भी जिक्र आपको मिलेगा। तो ऐसे बांटते हुए अगर हम चलेंगे और आपको सिखाएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ये रहा सातवा, द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, ट्रिब्यूलेशन यानी कि सताव, क्लेश, महाकाल का क्लेश। ये रहा आठवा, द रिटर्न ऑफ द जूश टू देयर प्रोमिस लैंड, इसका मतलब है यहूदियों का लौट आना, ये कैसा है इसको भी हम बताएंगे। तो ये रहा आठवा। नौवा है द टू विटनेसेस, दो गवाह। फिर दसवां है द एंटीक्राइस्ट एंड द फॉलन प्रॉफिट, तो इसका भी जिक्र हम करेंगे, इसलिए इसका हो गया दसवां, सत्रह भागों में से दसवां। ये रहा ग्यारहवां, द मार्क ऑफ बीस्ट, पशु की छाप, एंटीक्राइस्ट का छाप। ये रहा बारहवां, मिस्ट्री ऑफ बेबीलोन यानी कि बाबिल का रहस्य। ये रहा तेरहवां, द बैटल ऑफ अर्मगेडन यानी कि अर्मगेडन की लड़ाई, जो कि अंतिम लड़ाई है लूसीफर का और यीशु का, और हम सब जानते हैं कि जीतेगा कौन, वो तो मैं खैर बताऊंगा। ये रहा चौदहवां यानी कि द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। ये रहा पंद्रहवां, जो कि 1000 साल का राज्य यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर होगा, उसके बाद में कैद से शैतान छोड़ दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो लड़ाई होगी अर्मगेडन की, उसके बाद में जो है हम अनंत काल के लिए प्रभु के साथ जिएंगे, उसका जिक्र होता है। ये रहा सेकंड लास्ट यानी कि सोलहवां, जजमेंट डे, न्याय का दिन, इसके बारे में भी देखेंगे। ये रहा सत्रहवां, जो कि कहता है द न्यू हेवन, द न्यू अर्थ एंड द न्यू जेरूशलेम, नया आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम, इसको भी हम देखेंगे। नाउ प्रकाशित वाक्य को हिंदी में प्रकाशित वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में रेवलेशन कहते हैं और ग्रीक में अपोक्लिप्सिस कहते हैं, ये वाला। सो प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, अपोक्लिप्सिस, ये तीनों ट्रांसलेशन का मतलब एक ही है और वह है पर्दा उठाना, कोई चीजों से, क्षमा करें, कोई चीजों से पर्दा उठाना यानी कि छुपी बातों पर से पर्दा हटाना, और यीशु बहुत सारे पर्दे उठाएगा इस पुस्तक के अंदर। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब सत्य दुनिया को बताए ना। दोस्तों उसको देखिए, इस पुस्तक का लेखक का नाम, यीशु का चेला जिसका नाम है यूहन्ना, इसने इसको लिखा पतमोस नाम टापू पर 95 AD में, यीशु के ठीक उठा लिए जाने के 60 साल बाद। मैं रिपीट करता हूं कि यीशु के उठा लिए जाने के 60 साल बाद इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है यूहन्ना, उसने इसको लिखा। नाउ इसके ऊपर कुछ कहते हैं कि ये यूहन्ना यीशु का चेला नहीं है, कुछ कहते हैं ये वो यूहन्ना है जो यीशु का जो चेला था उसके बाद आया, तो मैं इसके बहस में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मुझे जहां तक पता चला है कि यीशु का चेला है जो यीशु के साथ में रहा, और उसका जिक्र यहां पर है जो कि लिखता है, पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय वचन 9 में लिखा है कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई यीशु के क्लेश और राज्य के धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन यीशु की गवाही के कारण पतमोस नाम टापू में था। नाउ ये जो व्यक्ति है ये यीशु का चेला है या फिर एक और एल्डर ऑफ जॉन, एल्डर, द जॉन एल्डर, ये भी कुछ लोग कहते हैं, अगर ये उनमें से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रेवलेशन की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, ये यीशु की है, यीशु की तरफ से है, ये मुझे और आपको चाहिए। अब ये होना कौन है और इसका एग्जैक्टली लेखक कौन है, उसके बहस में ना पड़े तो बेहतर है, क्योंकि हमें कहते हैं ना, ईट द चिकन एंड थ्रो द बोन, हमें हड्डी मांस खाना है, हड्डी फेंकना है ना। प्रकाशित वाक्य पर ध्यान रखेंगे ना। दोस्तों इसको देखिए जी, ये व्यक्ति जब पत्रस, क्षमा करें, यूहन्ना कहता है मैं पतमोस नाम टापू में था, तो ये व्यक्ति, ये जिक्र इसका, जिसका नाम है रोमन एम्परर डोमिटियन, ये व्यक्ति जिसका नाम है डोमिटियन, ये एक ऐसा क्रूर शासक था या उस वक्त का राजा था, एम्परर था, जिसने जॉन को सताया, ऐसा इतिहास कहता है। जब मैं स्टडी कर रहा था इतिहास को, हिस्ट्री को, तो मुझे पता चला है कि जॉन को इस व्यक्ति ने, जिसका नाम अभी मैंने बताया, उस रोम के एम्परर ने इसको उबलते तेल के कढ़ाई में डाल दिया था, लेकिन यह व्यक्ति वहां नहीं मरा। अद्भुत रीति से, चमत्कार रीति से यह व्यक्ति वहां से बच गया, लेकिन इस व्यक्ति ने इसको एक ऐसे टापू पे छोड़ दिया जहां चारों तरफ पानी है और बीच में वो आइलैंड है या द्वीप है, जहां पे जंगली जानवर हैं, बिच्छू हैं, सांप हैं, वो सारी चीजें हैं जहां पर ये जॉन था। और इस व्यक्ति ने ना सिर्फ जॉन को सताया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पहली सदी की कलीसिया किस महाक्लेश से गुजरी है आप इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। आपको समझ रहा होगा, कुछ चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं ना, चित्र देख लीजिए, ये ऐसा टॉर्चर करता था जी। दोस्तों यहां पे अभी कितने लोग जुड़ गए बताते जाओ जी, ना जैसे ही बताते ना, ठीक है ना, ना नहीं नहीं उसको ऑन कर लीजिए जी। दोस्तों ना ये चित्र को देखकर आपको एहसास होगा कि इस व्यक्ति ने ऐसी क्लेश,
और इसलिए मैंने लिखा कि क्रूर शासक ये इतना सताव देता था कलिसिया को उस वक्त में। नाउ आज की तारीख की जो कलिसिया है या आज के जो मसीह है इन सब चीजों को नहीं जानते, इसलिए मैं वापस कहता हूं कि डैनियल राज पूरी तैयारी के साथ पूरी स्टडी के साथ आपके बीच में आया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या क्या हुआ था और कैसी कलिसिया तभी दुख उठाती थी, आज तो गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बिजनेस चाहिए, वीजा चाहिए, मेरे घर पे खाना नहीं है। अगर आप ये चित्रों को देखोगे जैसे ही मसीह बनते थे, इसलिए तो लिखा है ना जब पवित्र आत्मा आएगा पूरी पृथ्वी पे तुम गवाह बनोगे। गवाह का मतलब है मार्टियर, मार्टियर का मतलब है शहीद होना, आपको सताया जाएगा। तो ऐसा वो कलिसिया थी, मुझे नहीं पता, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे वाले प्रचार वापस आने चाहिए ताकि मसीहत जो सुस्त पड़ी है वो जागृत हो जाए, मसीहत जो सो रही है वो जागरूक हो जाए, जो ठंडी पड़ गई है वो जागृत हो जाए। और इसीलिए ये सारे चित्र आपके बीच में रख रहा हूं। अब आप सोच के देखिए, जहां चारों तरफ लोग जो हैं जो मसीहों को टॉर्चर करते थे उसको देखने के लिए लोग इकट्ठा होते थे, और इनका टॉर्चर कैसा होता था ये चित्र देख लीजिए। इनको क्रूस पे लटकाया जाता था और इनके इनके नीचे आग लगा दी जाती थी। सीरियस ये देख रहे हैं आप, आग लगा दी जाती थी। साथ ही साथ ऐसे जंगली शेर इनके बीच में छोड़ दिए जाते थे ताकि वो इनको खाए। सीरियस क्या ऐसा दिन आज हम देख रहे हैं? नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल मुझे घर से निकाल दिया, मेरे घर पे से मुझे मार पड़ी है, मैं मसीह को छोड़ दूं क्या? अगर आप इसकी तुलना करें पहले सदी के सताव से 21वीं सदी के सताव से, तो हम छिल्लर में हैं सर, हम कुछ भी नहीं है। जो सताव इनको सहना पड़ा उस वक्त में आज के सताव तो कंपेयर में कुछ भी नहीं है। अब आप सोच के देखिए, ऐसा सताव तो आज नहीं है, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि ऐसा सताव में आज हम नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन उस वक्त में ये सताव था। और ये वो सारा कारनामा ये व्यक्ति करता था जिसका नाम है डोमिटियन ये व्यक्ति। ना दोस्तों, ये कुछ और चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको भी देख लीजिएगा। ना दोस्तों, ये चित्र देखिए, जैसे ही लोगों को देख रहे हैं आप, उनकी लाशें पड़ी हैं, उनके मांस पड़े हैं, ऐसा सताव ये व्यक्ति करता था। और इसी के बीच में कलिसिया सताव से गुजरती थी। और जब मैं पहली कलिसिया की बात करूंगा, कलिसिया का नाम है एफिसस की कलिसिया, जहां यीशु कहता है कि तुम्हारा प्रेम ठंडा हो गया, तो इसी के चलते कलिसिया का प्रेम ठंडा हो गया था, क्योंकि ये सताव को देखकर कलिसिया ने कहना शुरू कर दिया कि अब हम जो हैं इस व्यक्ति के डर के चलते सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे। तो ऊपर से यीशु ने आकर खूब डांट लगाई, जो कि मैं जब आऊंगा तो मैं भी लगाऊंगा, तो इस व्यक्ति के डर से क्यों? क्योंकि जिस दिन हम उद्धार पाते हैं उसी दिन हम कहते हैं कि प्रभु चाहे जिए या मरे आपके लिए। तो वो वादा कहां गया, वो प्रॉमिस कहां गया, और वो प्रतिज्ञा का जीवन कहां गया? आज मैं वापस कहता हूं कि कुछ 90% कुछ ऐसे प्रचारकों ने जिसको कहते हैं मोटिवेशनल प्रीचर्स, ब्लेसिंग प्रीचर्स, जो तरक्की की बात करते हैं, आपको पैसा मिल जाएगा, आपके पर्स में पैसा आ जाएगा, ऐसे प्रचारकों ने आज मसीहत के प्रेम को ठंडा कर दिया और ऐसी सारी बातों से उनको गुजरने के लिए उनको जो है पीछे कर दिया। और जैसे क्लेश आता है वो मसीह को या तो छोड़ बैठते हैं या तो छुप कर बैठ जाते हैं और वो सुसमाचार का काम करना बंद कर देते हैं। अगर ऐसे दिन तब थे, अगर ऐसे दिन आज आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि कम से कम 90% कलीसिया पे ताला लग जाएगा, क्योंकि कलीसिया सताव भी नहीं। जब आप मुझे अभी सुन रहे हैं और आप कह रहे होंगे कि पास्टर डैनियल आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, अगर आपको मेरी बातों से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि ये चित्र देखिए और आपको समझ में आएगा कि कलीसिया कितने दुख से गुजरती थी पहली सदी में। ना दोस्तों, इसको देखिए, प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय, अब मैं यहां से शुरू करने जा रहा हूं। ये था पहला जो मैंने आपको बताया, इसका लेखक क्या था, वो पात्मोस नाम टापू पे क्यों था, लेकिन अब यहां से शुरू होता है प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय। ना दोस्तों, प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय वचन 1 से लेकर 1 तक में सलोमी पड़ेगी, आइए उसको ध्यान से सुनते हैं। जी यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास योहन्ना को बताया। ऐसा लिखा है, ये यीशु का प्रकाशित वाक्य है, ये योहन्ना का नहीं है, लेकिन यीशु को परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के पुत्र यीशु ने योहन्ना को दिया अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, और तब जाकर जो है ये हम तक पहुंचा है। ना प्रकाशित वाक्य 1:2, जिसने परमेश्वर के वचन यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। तो शब्द को ध्यान दीजिएगा, देखा था, देखा, और यहां पर भी आपको पता चलेगा कि जो कुछ उसने दिखाया, तो शब्द को देखा और शब्द को दिखाया, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। ना दोस्तों, इसको देखिए, शब्द देखा,
शब्द पर ध्यान दीजिए, जो लिखा है देखा या दिखा, ही सॉ, क्या देखा, उस पे ध्यान देंगे। यीशु ने जो भी दिखाया था, भविष्य की बातें, याद रखो भविष्य की बातें, वो सिंबॉलिक हैं या पिक्चर हैं, या पिक्चर के रूप में ही दिखाना पड़ा, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट, क्षमा करे, यीशु का चेला योहन्ना को भविष्य 21वीं सदी नहीं दिखी और ना ही उसने देखा। तो यीशु ने जो कुछ पिक्चर में डाला था प्रकाशित वाक्य में, जो आप पढ़ते भी हैं, मैं अभी दिखाऊंगा, वो सब सिंबॉलिक या पिक्चर या चिन्ह के रूप में है। आपको यह समझना होगा। प्रश्न है क्यों, प्रश्न है क्यों ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये चित्र सब देख लीजिए, इसमें दिख रहा है, ये सब चित्र देख लीजिए ना, इसका मतलब क्या है आप सभी जानते हैं। लाल बत्ती का मतलब है रुकना, येलो बत्ती का मतलब है देखना, और हरी बत्ती का मतलब है जाना, रेड येलो ग्रीन। आप इसको समझते हैं, जैसे ये बोर्ड देखते हैं जिसको कहते हैं साइन बोर्ड, या कि सिंबॉलिक पिक्चर है, आप इसका मतलब समझ जाते हैं कि यहां पे चलना या फिरना मना है। आप उस बोर्ड को जिसको कहते हैं यू टर्न, जो गाड़ी चलाते हैं वो समझ जाएंगे। फिर आपको ये पिक्चर पता चलेगा, पी का मतलब है नो पार्किंग, इसका मतलब है नो पार्किंग, इसका मतलब है एम्बुलेंस, और इसका मतलब है जहां टॉयलेट होता है, कहां टॉयलेट है, लेडीज जेंट्स है। ये दो फोटो देखने से पता चल जाता है कि लेडीज और जेंट्स का टॉयलेट कौन सा है। तो इसका मतलब है कि ये साइन बोर्ड्स है, ये पिक्चर्स है ना, इसको देखिए। जैसे ही आप कमल देखते हो आज की तारीख में, तो आपको पता चलता है ये बीजेपी है। आप जैसे इसको देखते हो तो आपको पता चलता है ये कांग्रेस है। ये दो फोटो से पता चलता है कि जो लेखक है या जो कह रहा है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने इसको हरा दिया तो पब्लिक कहती है कि कमल ने हाथ को हरा दिया। अगर किसी ने ये स्टेटमेंट दिया तो जिसको नहीं पता होगा तो वो तो ये पूछेगा, यार ये कमल ने हाथ को हरा दिया, ये क्या चक्कर है। लेकिन जिसको पता होगा बीजेपी कांग्रेस, वो कहेगा कि बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया। ये आपको समझना बहुत जरूरी है ना। पुराने नियम में कुछ ऐसा था, आइए देखते हैं, जो यहोवा लोगों को समझाने का तरीका अपनाता था ओल्ड टेस्टमेंट में, जैसा कि ये पिक्चर। ये व्यक्ति कौन है? फिरौन का राजा ना। इसने दर्शन देखा था कि सात, क्षमा करे जी, सात अच्छे अच्छे अनाज के फलियां या डालियां या गुच्छे, और दूसरा है सूखे हुए गुच्छे, और ये सूखे हुए ने अच्छे वाले जिसमें फल लगे थे उसको खा लिया। ये नहीं समझा, लेकिन परमेश्वर ने ये पिक्चर को दिखाकर उनको समझाया कि इसका मतलब क्या है। साथ ही साथ में पतली पतली गायें मोटे मोटे गाय को खा रही हैं, पिक्चर में देखिए। ये व्यक्ति नहीं समझा, लेकिन परमेश्वर ने इस व्यक्ति को समझाया, और आप सभी जानते हैं कि इसका पूरा दृश्य क्या है ना। इसका मतलब है सात साल अकाल, अच्छा अनाज आएगा और सात साल अकाल पड़ेगा। ये सारी पिक्चर के तरीके से परमेश्वर समझाता था ना। इसको देखिए, ये है यूसुफ और ये है उसके 11 भाई, जो कि लिखा है कि 11 फलियां या 11 गुच्छे जो कि झुक गए हैं और एक गुच्छा खड़ा है। इसका मतलब सपने में देखा था, यह व्यक्ति उसको समझा रहा है। यह तरीका होता था। आज हम बाइबल पढ़ते हैं इसलिए हमको यह चित्र पता है। वैसे इसको देखिए, नए नियम में भी यीशु मसीह ने कई उदाहरण दिए, वो चाहे बीज बोने का उदाहरण हो, कुछ पथरीली भूमि पर, अच्छी भूमि पर, झाड़ियों पर और सूखी भूमि पर। यह बीज का उदाहरण जब चेलों को नहीं समझ में आया तो यीशु से पूछा इसका मतलब क्या है। यीशु ने उनको समझाया अच्छी बीज का मतलब क्या होता है, अच्छी जमीन का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ में पथरीली का मतलब क्या होता है, झाड़ियों का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें समझाया, तब जाकर हम समझे, नहीं तो हम भी नहीं समझते। साथ ही साथ 10 कुवारियों का जिक्र क्या है, तेल का मतलब क्या है, मशाल का मतलब क्या है, वो तैयारी का मतलब क्या है। तो यीशु भी ऐसे ही बात करते थे। तो प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक भी एपोक्लिप्टिक है। तो इसका मतलब है दृश्य है, चिन्ह है, पिक्चर है, सिंबॉलिक है। तो पूरी प्रकाशित वाक्य को आप जब भी पढ़ते हैं, अभी जैसा कि ये पिक्चर, तो यहां पे सात कैंडल्स या स्टिक्स, या फिर यीशु के मुंह से तलवार, सात तारे, ये सारे का मतलब क्या है। अब नाउ इसको देखिए, ये पीतल का पांव, इसका मतलब क्या है। यीशु के सिंह हैं, सात आंखें हैं, और साथ में ये तुरी, या फिर आप इसको स्क्रोल कहते हैं, या फिर आपको मोहर कहते हैं, ये उनके हाथ में है। ये चाबी का गुच्छा का मतलब क्या है। ये सब यूहन्ना देख रहा है एक पिक्चर के रूप में, जिसको हम कहते हैं सिंबॉलिक के रूप में, एक चिन्ह के रूप में। तो कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता। तो मैं फिर कहूंगा, जब आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते थे तो आपको ये सारी पिक्चर कैसे समझ में आती थी, तो वैसे ही आपको प्रकाशित वाक्य को भी समझना होगा कि किसका मतलब क्या है। और मैं वही कोशिश करूंगा कि किसका मतलब क्या है मैं आपके बीच में रख सकूं। ऐसे पिक्चर
ये सारे चीजें जब हम पढ़ते तो नहीं समझ में आता, सात सर क्यों, सात सिंगे क्यों, ये सारा जानवर ऐसा क्यों, चीता क्यों, भालू क्यों, ये सारी चीजें, फिर ये चार घोड़ों का रहस्य क्या है, ये सात मोहरों का रहस्य क्या है, सात तुरियों का रहस्य क्या है, सात कटोरों का रहस्य क्या है, ये सब का अपना अपना मतलब है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है ना दोस्तों। क्या ये पुस्तक यानी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जरा शब्द को पढ़िए, क्या डरावनी है? जी नहीं, मैं रिपीट करता हूं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक डरावनी नहीं है। नाउ इसको देखिए, क्या शैतान हमें तकलीफ देगा? कुछ लोग कहते हैं कि जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं, मैं दिख रहा हूं फ्रेम में ना, कुछ लोग कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये शैतान के बारे में है, न्याय के बारे में, अंत के बारे में, इसके चलते कुछ लोग नहीं पढ़ते। बड़े ध्यान से सुनना, तो मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ना तो ये पुस्तक डरावनी है और ना ही शैतान आपको कोई तकलीफ दे सकता है। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल, ऐसा क्यों? ये वचन को पढ़िए और मैं चाहता हूं कि सालों इसको पढ़ेगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जी जी, यही पे पढ़ना ना, सबसे पहला जी, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आप चित्र को देख लीजिएगा, पहले सबसे पहला लिखा है कि जो इस पुस्तक को पढ़ता है वो धन्य है, तो फिर डराने वाली बातें कहां पर गई? ये तो नहीं है ना। तो सबसे पहला है कि वो धन्य है जो इस पुस्तक को पढ़ता है, सी भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है। दूसरा कहता है जो सुनता है, अभी आप जो सुन रहे हैं आप धन्य हैं। तीसरा जो इसकी बातों को मानता है, क्यों? क्योंकि समय निकट है। मैं वापस कहता हूं, यूहन्ना, क्षमा करें, नूहा को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी थी कि वो पूरी दुनिया को बचाए, और ना ही वो बचा पाया, सिर्फ 8 लोग बचे थे। साथ ही साथ जोसेफ को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई और उसने पूरी दुनिया को नहीं बचाया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सड़क पर प्रचार कर रहा था कि यीशु आएगा, उसने पूरी दुनिया को नहीं बचाया, लेकिन आपको और मुझे पूरी दुनिया को बचाने का जिम्मेदारी दिया है। आप सोच के देखिए हमारे ऊपर, हमारे कंधे पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका मतलब है ये वचन कहता है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते वक्त में आपको डरना नहीं है। ये आशीष का वचन है, ये धन्य वचन है, जो पढ़ता है, सुनता है, उस पर चलता है। इसका मतलब है अभी आप और हम जो कर रहे हैं, हम सब धन्य हैं। ये बात के लिए आप नीचे आमीन लिख सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं, आप जैसा चाहे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं ना दोस्तों। प्रकाशित वाक्य एक का पहला अध्याय वचन 4-8 तक में आपको यहां पर यीशु को तीन रूप में आप देख सकते हैं। कितने रूप में? तीन रूप में। सो रिपीट कर देता हूं, प्रकाशित वाक्य 1:4-8 में लिखा है, पहला है पुनरुत्थान के रूप में, दूसरा है राजा के रूप में, और तीसरा है न्याय के रूप में। यीशु को आप तीन एंगल पे या तीन रूप में देख सकते हैं, सिर्फ उतना सा वचन में। पहला है पुनरुत्थान के रूप में, दूसरा है राजा के रूप में, और तीसरा है न्याय के रूप में। प्रकाशित वाक्य 1:9 में पढ़ते हैं, लिखा है, यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। परमेश्वर के वचन यीशु की गवाही के कारण पतमोस नाम टापू में था, मैंने आपको बता दिया ना दोस्तों। इसको देखिए, ये चित्र को देखिए, ये यहां पर था जहां पे खाना नहीं है, तकलीफ है, सताव है, ऐसे वक्त में परमेश्वर इसको दर्शन देता है। ये चित्र देख लीजिए, वचन 10 कहता है कि मैंने प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। तो इसका मतलब है ये व्यक्ति यीशु के दिन, परमेश्वर ने जो दिन ठहराया था उसके दिन, वो सबत हो संडे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यीशु के दिन, परमेश्वर के दिन आत्मा में आ गया। और लिखा है कि अपने पीछे तुरी का सा शब्द कहते हुए सुना, यीशु के शब्द को सुना, यीशु ने दर्शन दिया, इसलिए चित्र को रखा है आपके लिए। वचन 11 कहता है कि जो कुछ तू देखता है इस पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, सुमरना, पिरगमोन, थुआतीरा, सर्दिस, फिलेदेल्फिया, लोदोकिया, ये सातों कलीसिया को तुझे भेजना है। कौन सी बातें? प्रकाशित वाक्य में 1-22 तक की बातें तुझे उनको भेजना है। नाउ वचन 12-13 आइए देखते, लिखा है, मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दिवटे देखी। मैं चित्र दिखाऊंगा, और दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र का सरीका एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। तो इसका मतलब है ये यीशु है, यीशु का चित्र देखा, दर्शन देखा। नाउ लिखता है प्रकाशित वाक्य उसका 14 का एक पहला अध्याय 14-16 तक का वचन को पढ़ेंगे। जी, उसके सिर और बाल श्वेत उन वरन पाले के से उज्जवल थे,
और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी और उसके पाव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो और उसका शब बहुत बहुत जल के शब की नाई था और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। दोस्तों, क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है, मुझे नहीं पता कि मैं इतनी सारी बातें आपके बीच में कैसा रख पाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने बात किया तो आधा घंटा हो गया मेरे पास में, अगर 70-60 मिनट है तो देखते क्या कर सकता हूँ ना। ये रहा वो चित्र, ये देख लीजिए, पहले ऐसा कुछ देखा था उसने। ये चित्र आपको मदद के लिए रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यूहन्ना ने यीशु को जब पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा देखा। कौन सा वचन है? ये सारे वचन मैं आपको बता चुका हूँ ना। दोस्तों, इसको देखिए, आइए इसको एक एक करके देखते हैं। पद 10 से शुरू करेंगे, एक एक में। तुरी का सा शब्द, बड़ा शब्द, पुराने नियम में लड़ाई के लिए तुरी फूकी जाती थी तो नए नियम में वचन की तुरी फूकी जाती है, जिसका मतलब है लड़ाई की तैयारी और यहाँ लिखा है आत्मिक तैयारी। तो तुरी का शब्द सुना तो तैयारी को, चिन्ह को दर्शाता है या तैयारी को बताता है। पद 11, 7 कलीसिया, इफिसुस, स्मिर्ना, पिर्गमन, थुआतीरा, सर्दिस, फिलदेल्फिया और लौदिकिया। ये 7 तो कलीसिया उस वक्त की वर्तमान में, लेकिन आज की कलीसिया यानी आपकी कलीसिया, वो चाहे कोई भी डिनोमिनेशन हो, उसको भी ये पुस्तक लागू है और यीशु के ये वचन लागू हैं। तो आपको ये समझना होगा, बहुत जरूरी बात। आइए देखते क्या है। इस पुस्तक का आरंभ कलीसिया से हुआ और इस पुस्तक का अंत भी कलीसिया से ही होगा। तो इसका मतलब है कि सृष्टि जब से बनी है और जब तक ये खत्म नहीं होती, एक ही व्यक्ति इसको रोल प्ले करेगा, मेजर रोल, और वह है कलीसिया। मैंने इसलिए आपको बताया था, नूह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी पूरी दुनिया, जोसेफ को नहीं दी, जॉन द बैप्टिस्ट को नहीं दी, लेकिन यीशु ने, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने पूरी दुनिया को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कलीसिया को दी। तो पास्टर्स, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप सोचो आपकी कलीसिया कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। क्या आप अपनी कलीसिया को इस तरीके से सिखा रहे हैं? एक पास्टर, एवांजेलिस्ट, बाइबल टीचर, जब आप सोशल मीडिया पे, चर्च पे, पुलपिट पे, कॉन्सर्ट में, कन्वेंशन में, आपका जो भी तरीके से, क्या आप कलीसिया को इस तरीके से सिखा रहे हो ताकि कलीसिया पूरी दुनिया को बचा सके? सोच के देखिए कितनी गहरी बातें हैं और कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आजकल, माफ करिए, अगर आप लोग कहोगे डैनियल भाई आप जजमेंटल हो गए, अब यहां पर मैं जजमेंटल नहीं हूं, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो फिर आप उनकी बिरादरी में हो जो यीशु मसीह को मजाक में उड़ाती है। अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है तो फिर आप यीशु मसीह को गंभीरता में ले रहे हो। यीशु मसीह ने कलीसिया को बड़ी जिम्मेदारी दी है, अगर हम उसको नहीं समझेंगे गई भैंस पानी में। आपकी कलीसिया पिकनिक में, इंटरटेनमेंट में है, मनोरंजन में, ब्लेसिंग्स में, हाथ रखवाओ, नीचे गिरो, आत्मा से भरो, नीचे गिरो, आपकी कलीसिया इसमें, लेकिन कलीसिया को किस मकसद के लिए चुना, आप इसको समझना बहुत जरूरी है ना। पद 12, 7 दिवटे देखी। ये दिवटे क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये शाया की किताब उसका 11:2 कहता है, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि, समझ की आत्मा, युक्ति, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। तो यीशु जहां खड़े थे वहां पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा की 7 बातें जो पवित्र आत्मा को दर्शाती है। याद रखो, पवित्र आत्मा 7 नहीं है, 1 है। उसके चरित्र, उसके कैरेक्टर, उसके गुण की बात हो रही है ना। पद 13, दिवट के बीच में यीशु महायाजक को दर्शाता है, यानी कि यीशु को जो आपने पिक्चर में देखा था, थोड़ा सा पीछे लिखा देता हूं, यीशु मसीह को जो आपने देखा था, याजक नहीं, महायाजक के रूप में दर्शाता है। आप ये देख लीजिए, जो दिवटों के बीच में ना वापस आते, इसके ऊपर में यीशु मसीह को याजक के रूप में बताता है, जो कि बताता है कि यीशु मसीह सेविकाई कर रहा है अभी भी, यीशु प्रार्थना कर रहा है अभी भी, इब्रानियों 5:7, यीशु मसीह कार्य कर रहा है अभी भी। जब स्टीफन को पत्थर मारा गया था, यीशु मसीह कुर्सी पर नहीं बैठे रहे, सिंहासन पर नहीं बैठे रहे, वचन कहता है कि वो उठकर खड़े हो गए। इसका मतलब है यीशु मसीह तब भी एक्शन में था, यीशु मसीह अब भी एक्शन में है, और पूरी दुनिया को यीशु मसीह चला रहा है अपने तरीके से, और हम कलीसिया की मदद लेकर ना। दोस्तों, इसको देखिए, पद 13, पांव तक का वस्त्र बताता है पवित्रता को, दर्शाता है पांव तक का वस्त्र जो आपने देखा था। नाउ वचन 13 में और एक है, छाती पर सोने का पटुका, जो कि कलीसिया की रखवाली को दर्शाता है, जैसे कि बावर्ची अपने क्या कहते हैं खाना बनाते वक्त में एफरिन पहनता है, यह कपड़ा पहनता है, वैसे ही यीशु मसीह को सोने का पटुका बांधे हुए देखा, जिसका मतलब है यीशु कलीसिया की रखवाली कर रहा है, जिसको मैंने अभी आपसे बताया। वचन पद 14, सिर और बाल श्वेत, जो कि दर्शाते हैं प्राचीन और ज्ञानवान को। दानियल की पुस्तक उसका 7:9, अगर आप जल्दी से निकालें, दानियल की पुस्तक उसका 7, ओके, यहां पर है,
जी जी इसको पढ़ लीजिए जी जी। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हीम सा उजला और सिर के बाल निर्मल उन सरीके थे। उनका सिंहासन अग्निमय और उनके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। ओके नाउ दोस्तों, जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं वचन को आपके बीच मैंने रख दिया है, जो कि दानियल का दर्शन है। ये दानियल देख रहा है जो कि कहता है कि उसके जो सिंहासन रखे गए प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हीम सा जो उज्जवल था, उसके सिर बाल निर्मल ऊन सरीके थे, जो सिंहासन पर बैठा था। इसका मतलब है यीशु मसीह को प्राचीन, यीशु मसीह के बाल श्वेत क्यों हैं, प्राचीन को दर्शाते हैं। मेरे अभी मेरे जो मुस्लिम भाई हैं उनको गुस्सा आएगा, वो कहते हैं कि यीशु मसीह, मैं रख देता हूँ वचन को, वो कहते हैं कि यीशु मसीह जो है मरियम से पैदा हुआ, ये पैगंबर है। मेरे दोस्त, यीशु मसीह मरियम के पेट में से पैदा होकर मानव जाति को बचाने के लिए पृथ्वी पर आया। जाकिर नायक और उसके लोग या फॉलोवर्स अगर सुन रहे, सर फिर ये वचन का क्या करें जो यीशु मसीह को प्राचीन बताता है, यीशु मसीह को कई युगों से बताता है, उसके सिंहासन को बताता है, फिर इसका क्या करें। जो कलीसिया अभी मुझे सुन रही है, जो सेवक अभी मुझे सुन रहा है, सर मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह था, यीशु मसीह है, यीशु मसीह रहेगा। इसलिए कहता है वो अल्फा है, वो ओमेगा है, और वादी है और वो अंत है। हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी सेवकाई करते हैं और जिसका प्रचार अभी डैनियल राज कर रहा है, वो इस परमेश्वर का कर रहा है जो प्राचीन काल से है। यीशु को किसी ने नहीं बना। एक और भी बता देता हूं, आजकल तरह तरह के प्रचार हो रहे हैं, कुछ कुछ न्यूज मेरे कानों में आती है। एक व्यक्ति प्रचार कर रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं वैसे भी आजकल नाम नहीं बता रहा हूं और जरूरत भी नहीं है। आपको मुद्दे से मतलब है, किसने कहा उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो व्यक्ति कह रहा था कि परमेश्वर को, परमेश्वर कब है, ये एहसास तब हुआ जब वो उजाले में आया। ये तो हद हो गई साहब। मैं रिपीट करता हूं कि वो व्यक्ति, वो महाशय फरमाते हैं कि परमेश्वर को, मैं परमेश्वर हूं, एहसास तब हुआ जब उसने उजाला बनाया। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर तब तक परमेश्वर नहीं था जब तक उजाला नहीं बना। तो फिर उजाले को बनाया किसने? खुद परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर उजाले को बना रहा है तो इसका मतलब है परमेश्वर था। अब ऐसे ऐसे प्रचार आजकल सुनने को मिल रहे, खैर उसके ऊपर नहीं पढ़ूंगा ना। इसको देखिए, मीका 5:2 लिखता है, हे बेथलहम एप्रेता, एप्रेता का मतलब है, बेथलहम को स्पेसिफिक किया गया है, एक ऐसा बेथलहम, अगर दो तीन बेथलहम होंगे तो उसको कहता है एप्रेता, यानी कि पर्टिकुलर मैं उसी की बात कर रहा हूं, उस बेथलहम की बात कर रहा हूं। यदि तू ऐसा छोटा है, यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता तो भी, बड़े शब्द को ध्यान सुनिए, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से है। अब आप सोच के देखिए, यीशु मसीह आज का नहीं है सर, यीशु मसीह 2000 पुराना नहीं है सर, यीशु मसीह 5000 साल पुराना नहीं है। कुछ हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि यीशु मसीह तो 2000 साल पहले है। अब उनको कौन समझाए कि वो प्राचीन काल से हैं, वो प्राचीन काल से हैं। आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। लिखता है प्राचीन काल से, वरना अनादि काल से होता आया। तो यीशु मसीह को सफेद बाल, यीशु को सफेद दाढ़ी, वस्त्र सफेद क्यों? प्राचीन को दर्शाता है। पद 14, आंख आग किसी, ये बड़ा डेंजर है, जान से सुनना। लिखता है आंख आग किसी, ये दर्शाता है यीशु के गुस्से को, ये दर्शाता है यीशु के गुस्से को। यशायाह की किताब उसका 66:16 कहता है, क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय, शब्द को पढ़िएगा, लिखता है आग से और अपनी तलवार से करेगा, यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। तो परमेश्वर का आंख को जॉन ने कैसे देखा? आग से भरा हुआ, जो दर्शाता है गुस्से में। नाउ जितने पास्टर्स या चर्च के मेंबर्स या फिर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप जितने भी सुन रहे हैं, यीशु का ये आंख आपको देखना होगा, आपको समझना होगा। ऐसी कोई हरकत चर्च में ना करें जिसके चलते यीशु को गुस्सा है। ऐसी कोई हरकत ना करें पास्टरों या चर्च के लोगों जिससे यीशु को गुस्सा है। मुझे कई कॉल्स आते हैं, मैं वो सब नहीं बता सकता, लेकिन गुस्सा मुझे भी है। यीशु को कितना होगा सोच के देखिए। आपकी जितनी उल्टी सीधी हरकतें हैं, सेवकों से बात कर रहा हूं, आपकी जितनी उल्टी सीधी हरकतें हैं जितनी जल्दी हो सके ठीक करो, नहीं तो ये आंख से आप बच नहीं पाओगे। ये बताता है यीशु के गुस्से को। पद 14 में और एक लिखता है, पांव पीतल का, ये क्या दर्शाता है? न्याय की स्थिरता को दर्शाता है। ये चित्र देख लीजिए जी, ये चित्र देख लीजिए जी, ये चित्र देख लीजिए, ये दर्शाता है। अभी जब मैं शुरू में बता रहा था, आप सोच रहे होंगे पांव पीतल का, फिर आंख आग की,
फिर ये दृश्य वो दृश्य, मैंने आपको बताया ना सब सिंबॉलिक है, जिसका मतलब अलग अलग होता है। वचन 15, पद 15, शब्द बहुत जल की नाए, ये क्या है? गुस्सा को दर्शाता है, जो कि भजन संहिता उसका 29वां अध्याय वचन 3-10 तक अगर आप पढ़ोगे। मैं चाहता हूँ जल्दी से निकालिए, वक्त की कमी है दोस्तों, क्या करूँ जी, उसमें नहीं है, वो निकालिए जल्दी से। भजन संहिता 29 का 29 का जी, भजन संहिता 29 का 3-10 तक पढ़ेंगे जी। जी बहुत जल, ये गुस्सा है परमेश्वर का, साथ ही साथ यीशु का, और साथ ही साथ वो स्वर्ग दूतों का। आइए देखते कैसा जी। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है, वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और शिरनोन के जंगली बछड़े के समान उछालता है, यहोवा की वाणी आग की लपटों की चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है, यहोवा की वाणी से हरनियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा गर्जमान था, और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। ये सारे वचन मैं आपको इसलिए पढ़वाता हूँ दोस्तों, ताकि आपको एहसास हो कि ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत कुछ लिखा है जो न्यू टेस्टमेंट और प्रकाश वाक्य से कनेक्टेड है। जब लिख रहे थे तो उनको नहीं पता था, लेकिन आज कलीसिया समझ पा रही है, और मैं, मेरा फर्ज है मैं आपको एक एक चीज रखूं। नाउ एक और चीज मैं बता देता हूं, रेवलेशन बुक इतना डेप्थ है उसमें, या इतनी गहराई है, अगर मैं उस तरह गहराई में जाऊं तो मैं समझता हूं 7 दिन कम पड़ेगा। नाउ अगर मैं हल्के में बात करूं तो मैं समझता हूं कि पूरे 22वें अध्याय को मैं 1 घंटे में समझा सकता हूं। तो ना तो मैंने हल्के में लिया इसको, ना बहुत डेप्थ में गया हूं, मैं बैलेंस में या बीच में जो होता है ना वो बता रहा हूं, जिसके लिए मैंने 7 दिन लिए। आपको ये भी समझना होगा ना दोस्तों, गुस्सा को दर्शाता है जो कि बहुत सारे जल को बताता है, मैंने वचन बता दिया। अब ये यीशु का गुस्सा आंख जो कि आग है, और उसकी आवाज, यीशु के आवाज के सामने कोई नहीं टिक सक पाएगा, नहीं टिक पाएगा ना। कुछ कुछ चीजें मेरे दिमाग में आ रही है, मैं वक्त का भी ख्याल रख रहा हूं, कुछ उल्टे सीधे लोग जो मसीह नहीं है, यीशु के फॉलोवर नहीं है, उनको ये समझना होगा। आज आप कोई भी कमेंट करते हैं, कुछ लोग ने किया था 2 हफ्ता पहले, आप कुछ भी कमेंट करते हैं या यीशु के बारे में कुछ भी बोलते हैं, कोई लोग बाइबल फाड़ते हैं, चर्च को जला देते हैं, या फिर सेवकों को मारते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, आप अभी कर सकते हैं क्योंकि वो चुप है, लेकिन जिस दिन उसने अपना मुंह खोला आप टिक नहीं पाओगे, क्योंकि लिखा है वचन, आप जब पढ़ रहे थे, सलोमी जब पढ़ रही थी, लिखा है कि हिरन को बच्चे परमेश्वर की आवाज सुनते ही हो जाते थे। मतलब हिरन जो पेट से थी परमेश्वर का आवाज सुनता था, उसका बच्चा हो जाता था। अब आप सोच के देखिए कितना भयंकर है परमेश्वर की आवाज ना, उसको आप समझना बहुत जरूरी है ना। ओ यहां पे मैंने डाल दिया था ना, पद 16 कहता है दाहिने हाथ में तारे हैं, मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, यह दर्शाता है यशायाह की किताब उसका 49:16 अपने सेवकों को संभालता है ना। लिखा है देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोदकर बनाया है, तेरा शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो परमेश्वर के सेवक परमेश्वर के हाथों में, यीशु के हाथों में, वो भी दाहिने हाथ में, और यीशु कहता है मैं उनको संभालता हूं। तो जितने सेवक हैं, ऐसा क्यों कह रहा है ये भी बता देता हूं, मेरी मजबूरी है, वक्त कम है, मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों। यीशु कहता है तुमको जब कोई सताता है, सेवकों से बात कर रहा हूं, और ऐसे सेवकों से बात कर रहा हूं जो ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा, और यीशु के मिशन वाले, मैं उन सेवकों से बात कर रहा हूं, यीशु कहता है कि तुम मेरे दाहिने हाथ में हो, तुमको सताव आएगा लेकिन मैं संभालूंगा, तुमको लोग पीटेंगे मैं संभालूंगा, तुमको लोग आग में डालेंगे मैं तुमको संभालूंगा, यीशु के हाथ में है आप सेवकों। तो किसी के बाप से नहीं डरना सेविकाएं करते वक्त, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। पद 16 का और एक हिस्सा, धोधारी तलवार जो कि दर्शाता है वचन को, ये वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं, वचन को दर्शाता है कि यीशु मसीह के मुख से, यीशु खुद ही वचन है, और जो मैं भी प्रचार कर रहा हूं वो वचन है। तो तलवार का दृश्य है वचन ना, इसको देखिए वचन 16 का एक और पहलू, मुंह ऐसा प्रज्वलित था, दूसरा कुरिन्थियों 4:6, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में ज्योति चमके, और वह हमारे हृदय में चमका, कहां चमका, हमारे हृदय में चमका, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो इसका मतलब है यीशु का चेहरा इसलिए चमका क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है,
यीशु मसीह का, परमेश्वर का, पिता का प्रकाश यीशु मसीह में, तो आपका और मेरा भी चेहरा चमकेगा जब यीशु मसीह हमारे अंदर होगा। इसी बात को पौलुस यहां पर बता रहा है। ना इस दोस्तों इसको देखिए, प्रकाशित वाक्य 1:17 का कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा कि मत डर, मैं प्रथम अंतिम और जीविता हूं। ये चित्र देख लीजिए, यीशु को देखते मुर्दा सा गिर पड़ा। क्यों? ऐसा क्या था? वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस यीशु का प्रचार 60 साल पहले हम करते थे, रोटी खिलाता है, चमत्कार करता है, पानी को थमाता है, आंधी तूफान को थमाता है, मुर्दे को जिलाता है, ये यीशु का जो चित्र देखा उसमें उसके तो होश उड़ गए। बड़े ध्यान से सुनना, जिस बाइबल को आप पढ़ते हो ना, तो यीशु मसीह को चमत्कार के डब्बे में मत रखिए, आशीष के डब्बे में मत रखिए, ब्लेसिंग के डब्बे में मत रखिए। अरे यीशु मसीह कितना अच्छा खाना खिलाता है, यीशु से कई बढ़कर है, जिसको देखकर जॉन द बैप्टिस्ट मुर्दा सा गिर पड़ा। अंदाजे से बाहर, कल्पना से बाहर, आप सोच नहीं सकते कि आपका यीशु क्या चीज है। कुछ लोगों ने अभी तक यीशु को, मैं सेवकों की बात कर रहा हूं, चर्चेस की बात कर रहा हूं, यीशु को नहीं समझा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से यीशु को पेश करना है वो तो नहीं समझ रहे, जिस हिसाब से यीशु है उसको नहीं समझ रहे। जब ये व्यक्ति मुर्दों सा गिर पड़ा यीशु के ऐसी प्रतिमा को देखकर, आज जब आप प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय को सुन रहे, मैं चाहता हूं कि यहां पर एक डर आ जाए, यहां पर एक कपकपी आ जाए और आपको एहसास हो। वर्शिपर्स तुम भी सुनो, म्यूजिशियंस तुम भी सुनो, प्रचारकों तुम भी सुनो, मैं डांट नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आपका छोटा या बड़ा भाई कैसे से समझा रहा हूं कि ऐसा है परमेश्वर, उसको मजाक में मत लिया करो, मजाक में मत लिया करो। जब ये व्यक्ति नहीं रुक सका, मुर्दा सा गिर पड़ा, इसकी हालत खराब होगी मात्र देखने से। तो जब यीशु मसीह, जिसकी आप लोग कहते हैं यीशु महान है, तो फिर समझो ना वो क्या चीज है। उसके सामने उल्टे सीधे कपड़े पहन के तुम घंटों नाचते रहते हो, तुमको एहसास तक नहीं है कि तुम किसके सामने गाना गा रहे हो और किसके सामने नाच रहे हो। ये व्यक्ति नाच नहीं सका, गिर गया। ये दर्शन जो दाऊद को मिलता ना, तो वो भी नीचे गिरता नाचना बंद करके। यह बात को समझना आपको जरूरी है। ना वक्त की कमी, आगे बढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 1:18 क्या कहते, देखिए, मैं मर गया था, किसने कहा? यीशु ने कहा, मत डर, बल्कि मैं प्रथम और अंतिम हूं। वचन 18 कहता है, मैं मर गया था, देख मैं युगानुयुग जीविता हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रकाशित वाक्य वचन 19, इसलिए जो बातें तूने देखी, जो बातें हो रही हैं, जो इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। तो यीशु कहता है कि मत डर, अब तुझे बहुत सारा काम करना है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, सर जैसे ही प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, क्षमा करें, 7 दिन समाप्त हो जाएंगे, आपको भी बहुत सारा काम करना। आप चुप नहीं बैठना, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप चर्च हैं, आप सेवक हैं, आपके ऊपर यूथ, लड़का लड़की, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। टाइम पास करना बंद करिए, पिकनिक जाना बंद करिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो पहला काम दिया है वो करते हैं ना सर, वो समझिए ना। इसको देखिए वचन 20, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा। अब ये कौन है वो भी बता देता हूं, लिखा है, और उन 7 सोने के दिवटों का भेद। कौन है 7 तारे? कलीसिया के दूत, दूत का मतलब है सेवक, पास्टर्स, मिनिस्टर्स, दूत। ना दूसरा कहता है वो 7 दिवटे क्या है? कलीसिया। तो यीशु कहता है कलीसिया, सेवक, उनको कहता है उन तक पहुंचाओ, कलीसिया को समझाओ। डैनियल राज 7 दिन आपके साथ यही करेगा। ना वक्त को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ूंगा, सेवक और कलीसिया, इन दोनों पर पूरा उद्धार का कार्य टिका है। अगला पूरा 2 अध्याय इन्हीं दोनों बातों पर है। तो इसका मतलब है कलीसिया पर और सेवकों पर उद्धार का कार्य टिका है, पूरा कार्य टिका है। ऐसी कलीसिया चाहिए आज जो यीशु के काम को कर सके, ऐसी कलीसिया चाहिए जो यीशु के मिशन को आगे बढ़ा सके। मेरी प्रार्थना है अभी-अभी करते करते, प्रचार करते करते, कि यीशु मसीह आपको कलीसिया का सही मतलब बताए। पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, कैथोलिक, मेथोडिस्ट, सीएनआई, मार्थोमा, लूथरन, ब्रदरन, देसी विदेशी, आप जो भी हैं, आपको कलीसिया का महत्व समझना है। सर खाली बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होगा, हर हफ्ता चंदा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, आपके चर्च को पेंट मारने से कुछ नहीं होगा, साल में 3 बार फेस्टिवल मनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप कलीसिया के असली मकसद को नहीं समझोगे, गई भैंस पानी में। ना मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं और ये लास्ट पार्ट है। मैं इतना स्पीड इसलिए जा रहा हूं क्योंकि 7 दिन में प्रकाशित वाक्य कंप्लीट करना है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जितनी ताकत से मैं आपको समझा सकूं वो सारे स्लाइड्स आपके बीच में रखूंगा। तो प्रकाशित वाक्य 1वां अध्याय समाप्त हो गया, जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। ये रहा 2वां और 3वां अध्याय जो आपके बीच में रखने जा रहा हूं। इफिसियस की कलीसिया,
सुमरना की कलिसिया, पिरगमोन की कलिसिया, थुआतीरा की कलिसिया, सर्दीस की कलिसिया, फिलेडेल्फिया की कलिसिया, लोदोकी की कलिसिया। नाउ जब आप ये चित्र को देख रहे हैं, सब ठीक है यहाँ पर, जब आप चित्र को देख रहे हैं तो यहाँ टोटल 3 कलर है, ये जानबूझ के डाला है। पहला है ब्लैक कलर, दूसरा है व्हाइट कलर और तीसरा है रेड कलर। अब आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल, 2 कलर सफेद हैं, 2 कलर लाल हैं और 3 कलर काले हैं, तो इसका मतलब है 7 चर्चों में ऐसी 3 कलिसिया अलग है, 2 कलिसिया सफेद अलग है और 2 कलिसिया लाल अलग है। काले से मतलब आप समझ गए होंगे ये डेंजर पोजिशन में, सफेद से आप समझ गए होंगे ये अच्छी कंडीशन में, और लाल से आप समझ गए होंगे कि इनका काला भी है और कुछ अच्छा भी है, ये आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ना हर कलिसिया में 4 बातें हैं, ये 7 कलिसिया में 4 बातें दिख रहा है। ये 7 कलिसिया में कितने लोग जुड़ गए अभी तक? ओके, ना जितने लोग, मुझे लगता है कि 1200 लोग देख रहे हैं, 1.2K माफ करिए, 1200 लोग देख रहे हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं सर शेयर करते जाइए। और आपको कैसा लग रहा है टीचिंग अभी तक वो भी नीचे टाइप करें, और मैं वापस कहता हूं कि जैसे ही रात को ये अपलोड हो जाएगा फेसबुक और यूट्यूब पर, जितनी तादाद में फैला सकते हैं इसको फैलाइए। मैं वापस कहता हूं, एहसास तो आपको अभी से हो गया होगा मात्र 1 घंटे के अंदर कि ये टीचिंग जबरदस्त है, इसलिए नहीं क्योंकि डैनियल राज सिखा रहा है या मैं सबसे अलग हूं, जी नहीं, मकसद एक है, बहुत सारे अद्भुत पॉइंट आपके बीच में रखने जा रहा हूं। वापस आता हूं, इफिसुस, सुमरना, पिरगमन, थुआतीरा, सर्दीस, लोदकिया, फिलेडेल्फिया और लोदकिया, ये 7 में से कलिसियाओं में ऐसी 4 बातें हैं। आइए देखते हैं कौन सी बातें। सबसे पहला, अच्छे काम है इनमें, दूसरा है इनका पाप है, तीसरा यीशु का गुस्सा है और चौथा इनका प्रतिफल है। रिपीट करता हूं, 7 कलिसिया में, इसमें भी 3 भाग हैं, एक है काले कलर, दूसरा है सफेद कलर और तीसरा है लाल कलर। 4 बातें हैं कलिसिया में, एक है अच्छे काम, दूसरा इनका पाप, तीसरा इनका यीशु का गुस्सा और चौथा इनका प्रतिफल। ये आपको चारों दिखाऊंगा और तीनों कलिसिया को कैसे सेपरेट करूंगा वो भी बताऊंगा। नाउ सुमरना यानी कि फिलेडेल्फिया की कलिसिया आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बिल्कुल इसमें दोष नहीं है, इसमें बिल्कुल दोष नहीं है। सर्दीस और लुदकिया दोष ही दोष है, इफिसुस, पिरगमन, थुआतीरा, इन तीनों कलिसिया में दोनों बातें। तो वापस आते हैं, ये हो गया सफेद, ये हो गया लाल, ये हो गया काला। अब क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 7 कलिसियाओं में ऐसा 3 डिवीजन है, 3 बातें हैं, सब ठीक है पीछे, ओके। नाउ वापस आते हैं, एक है सुमरना फिलेडेल्फिया, बिल्कुल दोष नहीं है, सर्दीस और लोदकिया दोष ही दोष है, और ये रहा बाकी 3 कलिसिया, इन तीनों कलिसिया में, तीनों कलिसिया में दोनों बातें, यानी कि अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। कलिसिया के अच्छे काम से शुरू करते हैं, मैं वापस बता देता हूं कि टोटल 4 बातें हैं इसके अंदर, ये देख लीजिए, अच्छे काम, पाप, यीशु का गुस्सा, प्रतिफल, 7 कलिसिया में से आपको बता चुका हूं। ये हिस्सा देख लीजिए, कुछ सेकंड तक रखता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जी गुड। सो मुझे अभी बताई है टीम ने कि कम से कम 1300 लोग अभी देख रहे हैं, तो उन सभी 1300 लोगों का मैं स्वागत करता हूं सर, भारत से हैं, अदर कंट्री से हैं, आप सबका स्वागत है, देखते रहिए 7 दिन लगातार मेरे साथ बने रहे, 1 दिन भी मिस नहीं करना, 8 से लेकर 9 तक का टाइम है, कोशिश करूंगा कि ज्यादा लंबा इसको ना खींचूं। वापस आते हैं दोस्तों, इनके 4 काम देखते हैं, जी तो सबसे पहला इनका अच्छा काम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:2 में, बुरे लोगों को तू परख लेता है, अच्छे काम का बता रहा हूं, बुरे लोगों को तू परख लेता है। 7 कलिसियाओं को मिलाकर बात कर रहा हूं, इसमें से 2 अच्छी कलिसियां हैं, बहुत अच्छी हैं, 2 इसमें से पूरी गलत हैं, जी, और 3 ऐसे हैं कि अच्छा भी और बुरा भी है। नाउ पहला है, बुरे लोगों को तू परख लेता है, तू धीरज धरता है, दुख उठाता है, विश्वास में पीछे नहीं हटा, तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं, वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, वचन का पालन किया, नाम का इनकार नहीं किया, किसका, यीशु के नाम का इनकार तूने नहीं किया। तो इसका मतलब है, आप अगर देख पा रहे होंगे, ये कलिसियाओं के अच्छे काम है, इनके अच्छे काम है, और मैं वापस कहता हूं अगर ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं आपको सलूट है सर। ये सब पॉइंट्स मैं वापस नहीं पढ़ा सकता, वक्त कम ही है ना। आइए देखते हैं कलिसियाओं के पाप, लिखता है इनका पाप, देखो सबसे पहला कहता है कि इनका प्रेम ठंडा हो गया, जब प्रेम ठंडा हो गया तो अल्टीमेट है काम ठंडा हो गया,
मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था कि प्रेम पे फोकस करें या काम पे। आपका प्रेम जैसे ही ठंडा होगा, आपका काम ठंडा होगा, आपका काम शुरू होगा, इसका मतलब है आप प्रभु से प्रेम करते हैं। तो फोकस प्रेम नहीं है, फोकस काम है। अच्छा, इनका प्रेम क्यों ठंडा हो गया? मैं आपको बता चुका हूँ कि वो जो एम्परर था रोम का, डोमेटियन, उस व्यक्ति ने कलीसिया को इतना सताया कि कलीसिया डर गई। आज भी ये हालत है साहब, क्या करूँ, वक्त कम पड़ रहा है। आज भी ये हालत है, जैसे ही टीवी पर या यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर कहीं कलीसिया को मारा गया, पास्टर को पीटा गया, अफ्रीका में जिंदा जलाया गया, नॉर्थ कोरिया में, चाइना जैसे कंट्री में लोगों को बंदी बनाया गया, ये न्यूज़ सुनते हैं तो आपके और हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। यार आप सेवा कैसे करें? यीशु कहता है वो रोम का एम्परर डोमिटियन क्या चीज़ है, चीन का मंत्री क्या चीज़ है, नॉर्थ कोरिया का मंत्री क्या चीज़ है, या जो भी लोग सताते वो क्या चीज़ है, उससे कई ऊपर यीशु कहता मैं हूं ना, जब मैं बैठा हूं, मैं चला रहा हूं। अच्छा, यीशु चाहता है कि तुम शहीद हो जाओ? जब यीशु चाहता है कि तुम शहीद हो जाओ तो फिर आप मुझे बताइए, आपको बचाएगा कौन? तो ऐसी प्रार्थना, ऐसा मोर्चा, बीच में कुछ लोगों ने मोर्चा निकालना शुरू किया था, बोला मसीहों पे अत्याचार हो रहा है, मोर्चा निकालो। नाम तो खैर मैं किसी का लेता नहीं हूँ, आप लोग आगे समझदार हैं। मुंबई के अंदर भी ये नाटक चला था, नागपुर में भी ये चलता है, पुणे में भी चलता है, महाराष्ट्र में तो चलता ही चलता है। तो वो कहते हैं मसीहों पे अत्याचार हो रहा है, विरोध करेंगे या फिर मोर्चा निकालेंगे, भारत सरकार को बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा अधिकार क्या है, व्हाट वी हैव द राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हम प्रचार करके बताएंगे, हमको अधिकार मिला है धारा 125 वाला, हम प्रचार करेंगे। यीशु कहता है कि बेटा जिस दिन धारा हट जाएगी, चाइना के अंदर ऐसा कोई धारा नहीं है ना, क्या प्रचार करो, नॉर्थ कोरिया में तो बिल्कुल नहीं है, अरब कंट्री में तो बिल्कुल नहीं है, तब तुम क्या करोगे? तो कहता है कि पहली कलीसिया, पहली सदी के कलीसिया का प्रेम ठंडा हुआ था सताव को देखकर, वो तो भयंकर सताव है, लेकिन आज की तारीख में 5% भी ज्यादा बोल दिया, वो सताव नहीं है ना, अगर उसको देखकर आपका प्रेम ठंडा हो रहा है तो मैं कहूंगा सर गुस्सा आएगा आपको, आने दो, आप घर ताला लगाइए, चर्च को मिनिस्ट्री बंद करिए, घर पर बैठिए, बिजनेस शुरू करिए, बच्चों को लेकर पिकनिक जाइए, खूब इंजॉय करिए, न्याय के दिन तो खैर प्रभु बताएगा। तो ऐसा प्रेम ठंडा हो गया था पहली सदी में और आज भी हो रहा है, सताओ कल को इससे भयंकर बढ़ेगा, तब तुम क्या करोगे, ये आपको समझना है ना। तो इनका पाप क्या है? प्रेम ठंडा, काम ठंडा, पैसे के लालची हो गई थी कलीसिया, ये भी आपको पढ़ने में मिलेगा, अधिकार का घमंड था जिसको कहते निकोलियो, किसी को पद का घमंड है, किसी को अपने नाम का घमंड है, किसी को अपने चर्च का घमंड है, कोई कहता है मेरा पास्टर बेहतर है, मेरी कलीसिया बेहतर है, हमारी वर्शिप बेहतर है, ऐसा घमंड निकोलियो का काम चलता था। यीशु ने खूब डांट लगाई, मैं रिपीट करता हूं, यीशु ने खूब डांट लगाई, बोला खबरदार अगर ऐसा किया, परमेश्वर को निकोलियो के कामों से घृणा है, ऐसे काम, अभी इसकी हिस्ट्री बताऊंगा निकोलियो की, तो आपको पता चलेगा कि जो नाइकी शूज है ना, जिसको टिक करते हैं नाइकी शूज, ये वहां का राजा था, ये उसको दर्शाता है ग्रीक वर्ड में, जिसका मतलब है उनको घमंड था, हम जो हैं वो सही है, इसलिए टिक, हम जो हैं वो, हम जो कर रहे हैं वो सही है और हमसे बेहतर कोई नहीं है। ऐसे कामों से परमेश्वर तब भी घृणा करता था और अब भी घृणा करता है ना। इसका बाकी पाप क्या देखिए, हेजबेल की आत्मा जिसको कहते हैं सेक्स, कलीसिया के अंदर व्यभिचार, कोरिन्थियों के कलीसिया में था, जिसको कहते हैं एजेबेल की आत्मा, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, आप लोग जरूर देखेगा, द स्पिरिट ऑफ एजेबेल, ये कलीसिया के अंदर था पहली सदी में भी और आज भी, कलीसिया में मरी हुई थी, जागरूक नहीं थी और साथ ही साथ गुनगुने थे ना। मैं आपके बीच में जैसे कह रहा हूं कि कलीसिया मरी हुई, जागरूक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आज भी कलीसिया ठंडी पड़ी है। ठंडेपन किस में? सुसमाचार में। ठंडेपन किस में? सेविकाई नहीं करने में, चेला नहीं बनाने में, ऐसी कलीसिया की मैं बात कर रहा हूं। और यीशु कहता है ऐसी कलीसिया के साथ में मैं क्या कर रहा हूं, आइए देखते हैं। सबसे शॉकिंग बात आपके बीच में रख देता हूं, मात्र 7 साल में कलीसिया की ऐसी हालत हो गई हो सकती है, तो सोचो आज की कलीसिया की हालत क्या होगी। मात्र 60 साल कौन सी कलीसिया, पहली सदी कलीसिया, इन सब परिस्थिति में तो आज की कलीसिया की हालत क्या होगी, 2000 साल हो गए सर। तो सोच के देखे, कंपेयर करके देखे, आज पूरी दुनिया में लाखों की कलीसिया है, हजारों पंथ हैं, यानी कि डिनोमिनेशन है, और ना जाने कितनी गड़बड़ियां। तो यीशु ने अगर वो कलीसिया को इतनी डांट लगाई, इनके इतने नुक्स हैं, तो अगर हम एक एक कलीसिया में घुसे तो उनकी कितनी गलतियां निकलेंगी, आप ही बताइए। सोच के देखिए क्या बात कर रहा है यीशु मसीह आज आपसे।
सोच के देखिए, जो भी भाई, जो भी बहन, जो भी सेवक अभी मुझे सुन रहा है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, इस कलीसिया से ये बात सीखिए, उनकी गलती क्या थी, उनका पाप क्या था। ना इसको देखिए, यीशु का गुस्सा बताने जा रहा हूँ। सातों कलीसिया को मैंने एक ही सीरीज में या एक ही ढांचे में आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। यीशु का गुस्सा सबसे पहला कहता है, मैं तेरे दिवेट को हटा दूंगा। दिवेट को हटा दूंगा मतलब क्या है? प्रकाशित वाक्य 2:5, जल्दी से निकालिए, प्रकाशित वाक्य 2:5, मैं तेरे दिवेट को हटा दूंगा। जी, प्रकाशित वाक्य पढ़ो पढ़ो, वहीं से ये लीजिए, ये लीजिए। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। जी, तो इसका मतलब क्या है? जो रोशनी तुझे देता है पवित्र आत्मा, जो मेरी सपोर्ट तुझे मिलती है, मैं उसको हटा दूंगा। यीशु मसीह, अभी आपको गुस्सा आएगा और आने दो, 7 दिन तो मैं ऐसे रहूंगा, ठीक है ना। यीशु मसीह मूर्खों के साथ, सुस्तों के साथ, जो सुस्त हो गए उनके साथ टाइम पास नहीं करेगा। यीशु कहता है या तो इस तरफ या तो उस तरफ, अगर तू नहीं सुधरा मैं दिवट को हटा दूंगा। कैन यू बिलीव दिस? मुंबई की चर्च, पुणे की चर्च, नागपुर की चर्च, पंजाब की चर्च, गुजरात की चर्च, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, आप जहां से भी, अदर कंट्रीज, उन सभी से बात कर रहा हूं मैं। यीशु कहता है अगर तुम नहीं सुधरे इन सब पापों से अगर तुम नहीं सुधरे, यीशु कहता है मैं अपने दिवट को हटा दूंगा। सी, मैं अपने दिवट को हटा दूंगा। सी, दूसरा क्या कहता है? मैं वचन से लड़ूंगा तुमसे। 2:16, मैं वचन से, पढ़ो, रेडी रखो, मैं वचन से लड़ूंगा, वहीं से पढ़ो, वचन से लड़ूंगा। जी, अर्थात मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से, अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा, उससे, उसके साथ लड़ूंगा। कौन से दिन? न्याय के दिन। मैंने वचन दिया था, दानियल राज ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वचन दिया था, कोई और प्रचारक ने वचन दिया था, तुमने उस वचन के साथ क्या किया? ऐसा यीशु पूछेगा आपसे। तीसरा, क्लेश में डाल दूंगा। इसका मतलब है प्रोसिक्यूशन में तुम पढ़ोगे, सताओं में तुम पढ़ोगे। प्रकाशित वाक्य 2:22, जल्दी, 2:22, देख, मैं उससे रोग शिया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों में मन न फिराएंगे, जी, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। किसको? जो पाप करते हैं व्यभिचार के क्षेत्र में, जो गलत काम करते हैं, उनसे प्रभु कहता है मैं तुमको क्लेश में डाल दूंगा, तुमको सताव आएगा, तुम मुसीबत में पड़ोगे। चौथा देखिए, मैं कहता हूँ, वचन क्या कहता है? मैं तुझ पर आ पड़ूंगा। इसका मतलब है यीशु कहता है छोर की नहीं, अचानक आ जाऊंगा अगर कलीसिया नहीं सुधरी। फिर आगे क्या कहता है? अपने मुंह में से उगल दूंगा। दूसरे शब्दों में, मुंबई की भाषा में, मैं तुझे थूक दूंगा। किसको? चर्च को थूक दूंगा। किसको? पास्टर को थूक दूंगा। किसको? एवांजेलिस्ट को थूक दूंगा। कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है। कैसे लग रहे हैं आपको ये शब्द? ये यीशु का गुस्सा है दोस्तों, यहाँ पे सब ठीक चल रहा है, ये यीशु का गुस्सा है ना। इसको देखिए, अब बात करते हैं प्रतिफल की, मैंने 4 बताया था ना, अब बात करते हैं प्रतिफल की। जो जय पाए, इसका मतलब है ब्रैकेट में लिखा, अगर सुधर गए। कौन सुधर गया? कलीसिया अगर सुधर गई, पास्टर अगर सुधर गया, चर्च के लोग अगर सुधर गए, वर्शिपर्स अगर तुम सुधर गए, म्यूजिशियंस अगर तुम सुधर गए, कहता है जीवन का फल खाने को दूंगा। जल्दी निकालो, रेवलेशन 2:7। जी, जिसके कान हो वह सुन ले, जी, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। इसका मतलब है कि अदन के बगीचे में जो फल नहीं खिलाया था जीवन का, यीशु कहता है वो दूंगा। यीशु कहता है वो दूंगा। तो इसका मतलब है जो सुधर गया, जो चर्च सुधर गया, जो पास्टर सुधर गया, जो सेवक सुधर गया, यीशु कहता है मैं उसे फल खाने को दूंगा। फिर कहता है दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। इसका मतलब है आग की झील से उसको नहीं डालूंगा, वो आग की झील में नहीं जाएगा। मत्ती 7:21-22, यीशु कहता है मैं उसे पहचान लूंगा। क्यों? क्योंकि कलीसिया सुधर गई है। दूसरा लिखता है मन्ना, श्वेत पत्थर और एक नाम। इसका मतलब है गुप्त मन्ना दूंगा, एक पत्थर दूंगा, पत्थर पर एक नाम लिखा होगा, वक्त की कमी है, नहीं पढ़वा रहा हूं, ये सारी बातें दूंगा। फिर कहता है जाति पर अधिकार, लोहे का राजदंड, भोर का तारा दूंगा। ये सारे प्रतिफल कलीसिया के हैं, सेवक के हैं, आपके और मेरे हैं। फिर कहता है जीवन की पुस्तक में नाम लिखूंगा। कैन यू बिलीव दिस? ये सब प्रतिफल कब? अगर कलीसिया सुधर गई तब। फिर कहता है अपना नया नाम दूंगा। तो यीशु का नाम, आप लोग यीशु कहते हैं, कोई जीसस कहता है इंग्लिश में, कोई जो मैसेनेटिक है मतलब जूश है वो कहते हैं यशुआ, यशुआ बोलो, यीशु बोलो, जीसस बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में एक नया नाटक शुरू हुआ था,
कहते हैं कि यीशु मत बोलो, यीशु मत प्रार्थना करो, जीसस मत बुलाओ। मैं उनसे पूछना चाहूंगा क्यों। वो कहते हैं ओरिजिनल में, बड़ा ध्यान से सुनना, उनकी मूर्खता का भी आपको एहसास होगा। वो कहते हैं ओरिजिनल जो ट्रांसलेशन था ग्रीक, वो ट्रांसलेशन में यशुवा बुलाया जाता था। इसीलिए जो ऊपर से निकला है ना, जो ऊपर से आया, तो मेरे दोस्त हिंदी भाषा ऊपर से आया या नीचे से आया? हिंदी भाषा कहाँ से आया? इंग्लिश भाषा कहाँ से आया? तमिल भाषा कहाँ से आया? तेलुगु कहाँ से आया? उर्दू कहाँ से है? वो भी तो ऊपर से है ना यार। ये क्या लगा के रखा है, हिब्रू भाषा, ग्रीक भाषा, लैटिन, अरामिक, ये भाषा को इतना इंपॉर्टेंट क्यों? भाषा है ना वो, जो जो जाति का है, जो जिस कल्चर का है या जो जिस नेशन का है, वो भाषा में है। बड़े ध्यान से सुनना, क्या करो, वक्त कम है। जो आपकी ट्रांसलेशन है ना बाइबल, उसको परमेश्वर ने खुद का छापो, इसको प्रिंट करो, इसकी कॉपीज बनाओ, कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज, इसकी बनाते रहो, भाषा में बनाते रहो, तेलुगु, तमिल, मलयालम, आपका फ्रेंच, आपका आपका इंग्लिश, आपका जो भी भाषा, बनाते रहो, और जो जैसा ट्रांसलेशन होगा उसी ट्रांसलेशन में मुझे बुलाओ। तो ये यशुआ का नया नाटक कहाँ से लेकर आ गया आप लोग? कहते हैं ओरिजिनल लैंग्वेज में आया था, तो क्या हो गया? हिंदी भी तो ऊपर से आया ना, इंग्लिश भी तो ऊपर से है ना, ये क्या नाटक है यार। इसलिए मैं वापस कहता हूं, यीशु अपना नया नाम एक और है वो देगा। वो क्या नाम है मैं भी नहीं जानता, जब स्वर्ग में जाएंगे तब हमको मिलेगा। फिर कहता है सिंहासन पर बैठाऊंगा, किसके साथ? यीशु के साथ। ये बात करता है नए यरूशलेम में, दूल्हा दुल्हन साथ में रहेंगे, उसकी बात कर रहा है ना दोस्तों। अब बात करते हैं जी, वक्त भी कम हो गया, मैं चौथे अध्याय पे जा रहा था ना। ये सारी बातें एक घंटा 15 मिनट या 10 मिनट, एक घंटा 10 मिनट अगर मैं गलत नहीं हूं, आपके बीच में ये 3 चैप्टर को मैं रखा हूं, लेकिन कल बात करूंगा चौथे अध्याय से। मैंने कहा था प्रतिदिन मैं 1 घंटा बात करूंगा, आज 10 मिनट आगे हो गया, कल भी शायद हो सकता है, इसलिए मैं चौथे अध्याय पे नहीं जा रहा हूं। ये सारी बातें मैं आपके बीच में वापस रख देता हूं, आपको थोड़ा सा याददाश्त के लिए जी। ये है 7 कलीसिया, ये है 7 कलीसिया, तीनों के कलर अलग है, उसका मकसद मैंने आपको बता दिया। हर कलीसिया में 4 बातें, और जी 4 बातें, अच्छा काम, उनका पाप, यीशु का गुस्सा, उनका प्रतिफल, ये हैं जिसमें कोई दोष नहीं है, ये हैं दोषी दोष है, और ये हैं जिनमें ऐसी कलीसिया अच्छा भी है और बुरा भी है। 7ों का पाप मैंने बता दिया, यानी कि उनके अच्छे जो काम है वो बता दिया, उनका पाप बता दिया, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया यीशु का गुस्सा क्या है, और साथ ही साथ अगर सुधर गए तो उनका प्रतिफल भी मैंने आपको ये रहा आपके बीच में रख दिया। नाउ दोस्तों, आज 3 चैप्टर मैंने खत्म किया, कल से 4, 5, 6 जो कि अद्भुत है वो भी, तो वापस आइए ठीक 8 बजे। कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके ना आपके बीच में बातों को रख सकूँ, खत्म कर सकूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन अगर पवित्र आत्मा लीड करता है तो खींचूंगा, ठीक है ना। सो मेरे साथ में बने रहें कल का दिन भी, फिर ऐसे करते हुए टोटल 7 दिन। चलिए, प्रभु आपको आशीष दे, कल 8 बजे फिर मुलाकात होगी, आशा करता हूँ कि आप लोग सब मुलाकात करोगे। प्रभु आपको आशीष दे।